हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों बाद जो है वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी जो है कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊं। मैं मेरी जो बैग कलेक्शन है, मैं बैग की इतनी ज़्यादा कोई जिसको बोलते हैं ना कि मैं मुझे बैग इतने ज़्यादा पसंद नहीं है फिर भी कलेक्ट करना, लेकिन हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है। जब शादी हुई थी तब ले लिए थे कुछ बैग, और मैं इतना यूज़ भी नहीं करती। मैं एक बैग से दूसरे बैग में बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो फर्स्ट बैग जो मैं दिखाने वाली हूँ वो जूट जिसको बोलते हैं मटेरियल को, वो इस तरह है बैग मेरा। तो ये काफ़ी सिंपल सा बैग है और पर है बड़ा अच्छा, और ये इसमें काफ़ी स्टोरेज भी आ जाती है। फ्रंट में इसके जूट के लिए टेसल्स बने हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, और यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो मोस्टली जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं, और जो हम मतलब जिनका फैशन अब चला गया है जिसको बोल दें कि हाँ राजस्थानी टाइप, इसमें चीज़ें लगी हुई हैं। मुझे एक्सप्लेन करना इतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन आप लोग प्लीज़ समझ जाना। और जो इसकी ये जो डोरी है ये भी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है। और इस बैग को मेरे पास 2 साल हो चुके हैं यूज़। मैंने इसको बाहर मैं 1-2 बारी लेके गई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैं इतनी जल्दी बैग जो एक्सचेंज नहीं करती सामान को। वो एक बैग में रखा रहता तो मैं उसी को उठा कर चल पड़ती हूँ बाहर। और ये बैग जो है, ये बैग मेरी मदर इन लॉ लाई थी साउथ से, वो रामेश्वरम गई थी तो वो वहाँ से लाई थी। और ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, इसमें मेरा ऐसे रैंडम सामान पड़ा हुआ है क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं कर पाती। तो ये देखिए इसमें बहुत स्टोरेज है, इवन कि इसके एक अंदर एक और जिप लगी हुई है, एक और पॉकेट है, इसमें भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज आ जाती है। मतलब अच्छा सामान आप रख सकते हो। और प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि वो साउथ से लाई थी तो मैंने पूछा नहीं कि कितने का है, लेकिन बैग बहुत अच्छा। सेकेंड जो बैग है वो ये बैग है, ये है बैग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको बैग पैक ही बोलते हैं। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैं जो वीडियो है उसकी मतलब वीडियो भी बनाई थी, तो मैं वीडियो जो है लिंक में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और ये 300 समथिंग कुछ का बैग है, मुझे प्राइस एक्सेप्ट याद नहीं है। इसमें बहुत सारी पॉकेट हैं, बहुत सारी। तो मेरा ओल्ड टाइम जिसको गो टू बैग बोलते हैं वो यही बैग है, मैं इसको लेकर ही हर जगह जाती हूँ क्योंकि इसमें मेरा मोस्टली सभी सामान रखे होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं, तो अच्छा रहता है कैरी करना। और फ्रंट में 3 पॉकेट्स हैं, इसमें भी उनकी सामान है, इसमें मैंने सामान अभी भरा हुआ है। ये पॉकेट है, स्टोरेज बहुत अच्छी है, इवन इसमें अगर आपको कपड़े भी लेकर जाने हैं वो भी 1-2 जोड़ी तो कपड़ा आ ही जाएगा इसमें। और ये है इसमें कंपाउंड, ये और ये, तो इसमें बहुत सारी पॉकेट्स दी हुई हैं। और इस बैग को भी मेरे पास आई थिंक 2 से 2.5 साल हो गए हैं, और जितना मैंने इसको यूज़ किया है तो इसने मुझे कभी धोखा तो नहीं दिया। तो ये बैग बहुत ही अच्छा है, और इसके जो ये स्ट्रिप्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी हैं। आप इसको जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हो, तो वो तो हर जो है बैकपैक में होते ही हैं ये। तो थर्ड बैग एक स्लिंग बैग है, तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। एक्चुअली ये 2 बैग आए थे, ये उसके साथ मतलब उसके अंदर दिया हुआ था स्लिंग बैग, ये मैंने ये भी अमेजोन से मंगाया था, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो इसको भी मैंने यूज़ इतना किया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको लेकर जाना हो जीन्स वीन्स पे या वैसे भी सूट पर अच्छा लगेगा अगर आपको यूज़ करना है तो इसका प्राइस मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये बैग के साथ में एक बैग मिला था मुझे सेम बैग, तो जो कंबाइंड इनका रेट आई थी वो 300+ ही था। आप लोग चेक कर लेना, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में पक्का डाल दूँगी। और नेक्स्ट बैग है जो कि मेरा फेवरेट बैग है, ये डेनिम मटेरियल में बैग है, और ये भी मेरी मदर इन लॉ ने लाई थी, ये लाई थी कोलकाता से, और इसको मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये इसकी पॉकेट दी हुई है, अच्छा स्पेस है इसमें भी, यहाँ पर इसकी पॉकेट दी हुई है, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। और जो इसकी सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो यही है, यहाँ पर भी पॉकेट है इनकी। तो
और जो इसका स्लिंग है ये भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये बैग। इस बैग को मेरे पास हो गए हैं 3 साल, 3.5 साल हो गए हैं। ये है प्रीति का बैग और ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया था ऑनलाइन, उन्होंने गिफ्ट किया था। वैसे मुझे इसका कलर इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन गिफ्ट की हुई चीज़ हम वापस नहीं करते। और ये बैग भी बहुत अच्छा है, मतलब इस बैग ने भी मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अभी मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन 1 साल लगातार मैंने इसी को यूज़ किया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है और इसमें भी 2-3 कंपाउंड दिए हुए हैं। ये है फर्स्ट, और बहुत मेरा मतलब मोस्टली जो सामान है वो इसमें आ जाता था, जो भी मतलब भर भर के मैं लेके जाती थी, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा बैग है। और इसमें एक ये पॉकेट दी हुई है, इधर भी एक पॉकेट है, पॉकेट भी अच्छी क्वालिटीज़ की हैं, इधर भी एक पॉकेट है, और यहाँ पर एक 3C का लोगो है जो कि बहुत ही भी अच्छी क्वालिटी का है। तो कुछ बैग मेरे ऑनलाइन ख़रीदे हुए हैं, कुछ बैग मैंने ख़रीदे हैं, कुछ गिफ्टेड हैं। अभी 2-3 बैग और हैं, बट वो अभी थोड़ा सा मैं उन तक मैं पहुंच नहीं पाई। जैसे ही पहुंचूंगी तो मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा बैग अच्छा लगा, कौन सा नहीं अच्छा लगा, और तो बताना मुझे। बाकी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मैं कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो आज मुझे टाइम मिला, जैसे ही मुझे टाइम मिला मुझे लगा कि मैं फटाफट एक वीडियो तो शूट एटलीस्ट मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कर दी। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।